नमस्कार, नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ दीपा बाफिला और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर नए साल का सबसे खास शो 24 का भाग्य चक्र। नया साल है, मन में नई उम्मीदें हैं, आंखों में नए सपने हैं और जहन में नई मंजिलें हैं। इसके साथ साथ नई मुश्किलें और नई चुनौतियां भी हैं। हम तो चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, लेकिन ये होगा कैसे? नए साल में नए सफर पर आपके सितारे कितना आपका साथ दे रहे हैं, आपके ग्रह नक्षत्र आपको कितना संयोग कर रहे हैं, आपके साथ कितना चल रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और आपको आपका राशिफल बताने के लिए 2024 का हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे एबीपी न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से नव वर्ष की आपको ढेर और ढेरों शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, सबके साथ अच्छा हो, मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग। गुरु जी, हमेशा से आपको सुनने के लिए एबीपी न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो बेसब्री से इंतजार भी करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ आपको सुनते भी हैं। अब नए साल का खास मौका है और इस खास मौके पर आपका आशीर्वाद और आपके मंगल वचन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले गुरु जी, हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताइए कि ये 2024 का नया साल हमारे दर्शकों के लिए भी और साथ ही पूरे देश के लिए भी कितना बड़ा अवसर है और कितनी बड़ी संभावनाओं वाला ये साल है। गुरु जी देखिए, 2024 में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सबको खासी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर मत होने दीजिएगा। 2024 में ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जल्दबाजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत चेंजेस आएंगे। यद्यपि वो चेंज ज़्यादातर अच्छे ही होंगे, लेकिन फिर भी एकदम से इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, सोच समझ कर कीजिएगा। लेकिन एक ख़ास बात है, स्टूडेंट्स के लिए 2024 अच्छा होने जा रहा है। रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स को बिजनेस स्टार्टअप में मौका मिलेगा और कुल मिला के जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा रहने वाला साल है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि क्रोध को नियंत्रण में रखिएगा, शक संदेह को नियंत्रण में रखिएगा, अन्यथा 2024 में चूंकि बृहस्पति के साथ शनि और राहु का प्रभाव भी बहुत अधिक है, ये रिश्तों के लिए थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो ये तय है कि 2024 बहुत सारी अच्छी चीज़ें, सुख सुविधाएं और आनंद लेके आ रहा। इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए तो गुरु जी कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन बीतेगा आपका 2024 का ये नया साल। गुरु जी देखिए, ये कहा भी जाता है कि भाग्य पर तो डिपेंड रहना ठीक है कई बार, लेकिन कर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन भाग्य का अपना रोल है, भाग्य की अपनी महिमा है, अपनी गरिमा है और बड़ी से बड़ी कामयाबी भी कहा यह जाता है भाग्य साथ ना दे तो वो कामयाबी नहीं मिलती है किन्हीं कारणों से। किस्मत कनेक्शन कितना बड़ा रोल है, हमने अपने खास प्रोग्राम का नाम भी इसलिए रखा है कि 24 का भाग्य चक्र। अब राशिफल के हिसाब से हमारे जो दर्शक हैं, शुरुआती 6 राशियों के जातकों को उनका भाग्य चक्र गुरु जी आप बता दें। ये बहुत अच्छी बात है, कर्म और भाग्य का अगर संतुलन कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर ले तो उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और उन्नति होगी, सुख भी बढ़ेगा, आनंद भी उसको मिलेगा। आइए जन्म से जो राशि यानी चंद्रमा की जो राशि है उसके अनुसार हम आपका राशिफल जानते हैं। मेष राशि के लोगों को सबसे पहले चुनौती जो मैं देना चाहूँगा वो यही है, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए और दूसरी बात क्या है, क्रोध से बचना। ये दो चुनौती हैं मात्र, उसके बाद जम के मेहनत कीजिए और आप देखिएगा कि आपकी तरक्की होगी। मेष राशि के लोगों के लिए 2024 अच्छा वर्ष है, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आ रहा है। अब अगर आपको गुस्सा आया या अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ तो अपॉर्चुनिटी को कोई थाली में परोस के भी आपको दे देगा तो आपको आनंद नहीं आएगा, आप उसको अवेल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए
और 2024 में जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं उसका लाभ उठाइए, आप सफल होंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं तो चंद्रमा से वृषभ राशि जिन लोगों की पड़ती है उन लोगों के लिए समय अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि जनवरी से लेकर वह मार्च तक किसी ना किसी शारीरिक या मानसिक व्याधि से परेशान रहेंगे, लेकिन उन्नति भी हो रही है, तरक्की भी हो रही है, अच्छे लोगों का सानिध्य मिल रहा है, आप कुछ नया कार्य कर सकते हैं। जमीन है, वाहन है, इसके खरीदने के योग बन रहे, अच्छी नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे, तो कुल मिला के 2024 स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, लेकिन 2024 आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। हाँ, एक बात जरूर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, कहते हैं ना कि यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इतनी मेहनत करना सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आगे आपकी तरक्की जरूर होगी। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि के लोगों को एक तो बोलना बहुत सोच समझ कर है, कभी कभी होता है कि हम मजाक कुछ ऐसी कर देते हैं कि जिसमें मजाक करने की बजाय मजाक उड़ाना ज़्यादा शामिल होता है और उससे दंगे फसाद होते हैं। और ये याद रखिएगा कि 2024 रिश्तों की दृष्टि से कमज़ोर साल है, इसलिए बहुत सोच समझ कर आप अपने रिश्तों को बनाइएगा और उसके साथ साथ बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। एक बात और कहता हूँ, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़िया कीजिए, नहीं तो रोग पकड़ लेगा, लिवर का, चेस्ट का, आँखों का, इन रोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब ठीक है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, निश्चित रूप से लाभ होगा। और कहीं कोई परेशानी यदि दिखाई दे भी रही है तो हम लोग बाद में उपाय डिस्कस करेंगे, तो वो उपाय आप कर लीजिएगा और देखिएगा प्रभु जी जरूर आप पर कृपा करेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं, कर्क राशि वालों के पास बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा वर्ष आया है जिसमें उनकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। हाँ, शुरुआती कुछ महीने ऐसे हैं, लगभग 4 महीने अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, लेकिन नए रिश्ते भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। बस जब रिश्ता जोड़े तो बहुत सोच समझ के जोड़े, भावावेश में ना जोड़े, दिमाग से काम लेकर जोड़े। बाकी वाहन की सुविधा मिलती दिखाई दे रही है, घर की सुविधा मिलती दिखाई दे रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस की दृष्टि से भी अच्छा है। बस उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जो लोग बिल्डिंग में या बिल्डिंग मटेरियल में डील करते हैं, वहाँ थोड़ी सी कमी आ रही है। बाकी कुल मिला के अच्छा समय है, आपकी खूब तरक्की होगी, निश्चिंत होकर आप आगे बढ़िए। कर्क राशि वालों को बीमारी थोड़ा जल्दी पकड़ती है क्योंकि इन्फेक्शन ओरिएंटेड बॉडी होती है, तो इन्फेक्शन जल्दी जल्दी पकड़ता है, थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखें। वैसे तो गिलोय का काढ़ा पी लिया करें, गिलोय और तुलसा जी वाला, तो सब ठीक रहेगा, कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। सिंह राशि के लिए चुनौतियां हैं क्योंकि धन नहीं जुड़ रहा, धन खाली आप स्वयं करेंगे ऐसा तो है नहीं कि गायब हो जाएगा, धन कहीं गायब नहीं होता, हम गलत सोच लेते हैं या निर्णय ले लेते हैं उससे धन को नुकसान पहुंचता है, तो आप सोच समझकर निर्णय लीजिएगा। दूसरी बात, रिश्ते नातों पर भी आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन वो तो करना ही पड़ता है, रिश्ते निभाने के लिए करना ही पड़ता है, ये तो दायित्व है हम सबका। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, गुस्सा और अधिक आत्मविश्वास आपको परेशान करेगा, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से भारी नुकसान होगा, इसलिए सलाह मशवरा करके फैसले लीजिएगा, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। चीज और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जनवरी से मार्च, उधर जून से अगस्त और नवंबर दिसंबर वाहन ध्यान से चलाइएगा, रूल्स ऑफ द रोड को पालन कीजिएगा और अलर्ट होकर अपने वाहन को चलाइएगा। और ख़ास तौर से बच्चा पार्टी से तो मैं विशेष रूप से कहूँगा, ये ट्रिपलिंग करते हैं बाइक पे या बाइक को घूम घूम करके ये फिल्मी हीरो बनने की कोशिश करते हैं, नुकसान हो जाएगा।
और इस उम्र में ऐसा नुकसान हो सकता है जिससे आप आगे जीवन में पछताएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, वाहन ध्यान से चलाएं। लेकिन अब लोग इस चीज़ को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि पैसा कैसे आएगा। देखिए, पैसा तो आएगा, लेकिन अप्रैल से जून और उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 3 महीनों में सोच समझकर यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तब पैसा आएगा। जल्दबाजी में नौकरी मत चेंज कर लेना, नहीं तो जाएगा। बस इतना सा काम कर लीजिए, बाकी मैं उपाय आपको बताऊंगा। आपको उपाय ज़रूर करने होंगे, तब जाकर ये समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं, पहले स्टूडेंट्स की बात। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन मेहनत बहुत दिख रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, इनसे ज़रा सा दूर रहिएगा। और ये जो इस प्रकार की मित्र मंडली होती है ना, जो पढ़ाती कम भटकाती ज़्यादा, इससे भी दूर रहिएगा। और यदि आप उल्टा सीधा खाते पीते हैं तो उससे तो बहुत ही दूर रहिएगा। फोकस होकर काम कर लिया तो लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। और ठीक ऐसी ही सलाह मैं उन लोगों के लिए देना चाहता हूं जो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं। आप लोगों को भी बहुत फोकस्ड होकर काम करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, और आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। और क्रोध 31 दिसंबर को पुड़िया बना के कहीं फेंक दीजिए। 2024 में क्रोध से आपको नुकसान होगा और बड़ा भारी नुकसान होगा। ये रिश्तों के क्षेत्र में भी होगा, व्यापार के भी क्षेत्र में होगा, नौकरी के क्षेत्र में भी होगा। तो क्रोध को 2024 में कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है, मेहनत को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो निश्चित रूप से इनको लाभ होगा। बाकी चिंता ना करें, खूब सारे उपाय हमारे पास। तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों को क्या कुछ करना है, गुरुजी ने विस्तार से बता दिया है। किन किन बातों का ख्याल आपको रखना है, कैसे उपाय करने हैं, वो आगे भी बताएंगे आपको। और भाग्य फल आप हासिल किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में गुरुजी ने जानकारी दी। गुरुजी आगे और राशियों की बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नौजवानों की ज़रा बात हो जाए, क्योंकि भारत को तो वैसे ही कहा जाता है कि युवाओं का देश है। 1/3 करीब यहाँ पर युवा आबादी है। अब देश के युवाओं के लिए जो नया वर्ष आ रहा है गुरुजी, वो क्या संदेश लेकर के आ रहा है छात्रों के लिए, या फिर खास तौर से जो नौकरी रोजगार की तैयारी कर रहे हैं उन नौजवानों के लिए, ये 2024 का साल क्या संदेश लेकर के आ रहा है? 2024 रोजगार के रास्ते खोल रहा है। अब यहाँ रोजगार को नौकरी से मत तोड़ लीजिए, केवल बहुत सारे रास्ते, नए रास्ते खुल रहे हैं आपके सामने, आप उन रास्तों पर चल दीजिए। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति मदद कर रहा है ज़्यादातर राशियों की, इसलिए पढ़ने पढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के मैं कहूँगा 2024 युवाओं के लिए अच्छा समय है, थोड़ी सी हिम्मत करें, मेहनत करें, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा साल है, मेहनत करनी होगी और खूब हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और गुरुजी वैसे भी युवाओं को तो कहा ही जाता है, वो तो है ही देश के भविष्य और वो तो ताकत है, जान है देश की। और जिस तरीके से गुरुजी ने मंत्र बताए हैं कि आपको क्या करना है, हिम्मत दिखानी है, आगे बढ़ना है, इन तमाम चीज़ों को अगर अपने जीवन में आत्मसात आप करते हैं तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी और आप घर परिवार देश का भी नाम रोशन कर पाएंगे। हम लोगों ने प्रॉब्लम्स तो जान ली, ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए ये लास्ट में बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का भाग्य चक्र, जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री पवन सिन्हा के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले 6 राशियों का हाल गुरुजी ने बताया है, उपाय अभी आगे बताएंगे, हाल बताया है, समस्याएं बताई हैं। अब बारी है आगे की 3 राशियों के बारे में जानने का। ये 2024 का साल गुरुजी, ये आगे की जो 3 राशियां हैं उनके जातकों के लिए किस तरीके से रहने वाली है? देखिए, हमने राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और ये सब चंद्र राशि है, जिसे जन्म राशि कहते हैं ना, उसके आधार पर बताया। अब 3 राशि यानी तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोगों को खास तौर से कुछ जानने की जरूरत है, सुनिए ध्यान से।
फिर उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि के जो लोग हैं इन्हें बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि तुला राशि के लोगों को थोड़ी पारिवारिक समस्याएं या गृहस्थी की समस्याएं होती भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि तुला राशि के लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अब आप यदि क्रोध नहीं करते हैं, मेहनत से आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से बनाने का मौका मिलेगा और आपकी तरक्की होती चली जाएगी। रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं तुला राशि के वो लोग जो शादी लायक हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो ये वर्ष अच्छा है उस कार्य के लिए। बहुत संभावनाएं बनती हैं, विदेश जाने की भी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन धन के संचय को लेके कुछ परेशानी है, गृहस्थी को लेके कुछ परेशानी है। ये परेशानियां कैसे ठीक होंगी इसका समाधान मैं अभी आपको बता देता हूं, लेकिन पहले वृश्चिक राशि का हाल जान लें। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय वैसे अच्छा है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया फिर क्या होगा। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और एक चीज खास, ना केवल अपने स्वास्थ्य का बल्कि अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। बड़े भाई बहनों का या छोटे भाई बहनों का दायित्व तो भी आपको निभाना पड़ेगा, और ये सब सफलताओं के सूचक हैं। आप जितनी सेवा करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, सफलता उसके मुकाबले कम मिलनी है। लेकिन मन को हल्का नहीं होने देना, क्योंकि ये साल बुरा नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, लेकिन साल बुरा नहीं है, मिल जरूर रहा है। उपाय कर लीजिएगा तो कुछ बहुत परेशानियां वो खत्म भी हो जाएंगी। अब धनु राशि का हाल जान लीजिए। तो जन्म से जिन लोगों की धनु राशि है इन लोगों का हाल अच्छा है, 2024 का साल भी अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन इनको एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, इनको बिजनेस शुरू करने में सफलता मिलेगी, इनको कुछ नया करने में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के परिवर्तन में सफलता मिलेगी। और यदि ये विदेश जाना चाहते हैं तो 2024 में प्रयत्न करें, आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलने का योग चल रहा है। तो कुल मिला के आपके लिए ये वर्ष अच्छा है, बस स्वास्थ्य का अपने ज़रूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी पैरों का, पेट का, कमर का, कंधे का, ये ध्यान आपने रखना है, बाकी सब ठीक है, चिंता ना करें। तो तीन राशियां तुला, वृश्चिक और धनु राशियों के लोगों के लिए ये साल किस तरीके से रहने वाला है, क्या करना है, स्वास्थ्य का ख्याल किस तरीके से रखना है, ये गुरु जी ने विस्तार से बताया। और उम्मीद यही कि जो दर्शक देख रहे हैं वो गौर से सुन भी रहे होंगे, जो गुरु जी बता रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे। गुरु जी, आगे बढ़ने से पहले अब जरा उन लोगों की बात हो जाए जो कामकाजी लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, वकील, डॉक्टर्स और अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, अब उनके लिए ये साल किस तरीके से रहने वाला है, उनके लिए कितना शुभ संकेत ये साल लेकर के आ रहा है, क्या उनके लिए मैसेज है इस साल में? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बृहस्पति के साथ साथ शनि और राहु का प्रभाव भी सन 2024 पर है, जिसकी वजह से जो लोग लोहे के काम में हैं, पेट्रोल के काम में हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के काम में हैं, ऑयल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उसमें इनको सफलता है। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आंशिक सफलता मिलेगी, समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी आंशिक सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे मीडिया के लिए, फिल्म्स के लिए, ये आने वाला समय बेहतर सिद्ध हो सकता है। जो लोग ब्यूरोक्रेसी या जुडिशरी में जाने के लिए इम्तहान दे रहे हैं, और उनको जो मैंने राशिफल उनकी राशियों के हिसाब से बताया है, ज़रा सी भी थोड़ी और मेहनत कर लें तो सन 2024 उनके लिए जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। अब अंतिम तीन राशियों का हाल गुरुजी जल्दी से आप बता दें और मार्गदर्शन कीजिए जरा, किस तरीके से 2024 का ये साल जो है वो आखिरी के तीन राशियों के लिए बीतेगा। जन्म से जिनकी मकर राशि है, यानी चंद्र से जिनकी मकर राशि है, उन लोगों के जीवन में इन 12 महीनों में बड़े परिवर्तन आएंगे।
जैसे मान लीजिए कि आपका मन जो है पूजा पाठ से बिल्कुल दूर रहता, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मन पूजा पाठ में बढ़ने लगा, ऐसी जगह जाने का मन होने लगा जहाँ मंदिर हो, जहाँ गंगा जी हो, जहाँ नर्मदा जी हो आदि आदि, तो आपके भीतर परिवर्तन आ रहा। अब यहाँ पर खुद ये सोच लीजिए कि यदि आप शांत प्रवृत्ति के हैं तो परिवर्तन गुस्से वाला होगा, और आप क्रोधी प्रवृत्ति के हैं तो मन में शांति आएगी। लेकिन मकर राशि के लोगों के लिए जो समय है, देखिए मार्च, उसके बाद मई, जुलाई और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर, ये जो समय है ये बहुत अच्छा समय है। इसमें आप कुछ बहुत विशेष कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, और घर गृहस्थी के लिए भी ये समय बसने और बढ़ने के लिए अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग बिल्डिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी, और लोहे आदि की फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी सफलता मिलेगी। बस इतना ध्यान रखें कि जॉइंट पेन ना हो, हो तो चिकित्सक से सलाह लें, और कमर का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के धन में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, नए बिजनेस, नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं से कोई रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के 2024 आपके लिए बहुत अच्छा है। बस कुंभ राशि के लोगों को इतना ध्यान रखना है कि उनका भोजन खराब ना हो, ऐसा भोजन करें जिससे शरीर पुष्ट रहे, अन्यथा नाना प्रकार के रोग आपको परेशान करेंगे, चाहे आप छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या बहुत ही बड़े बच्चे हों, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी ये समय अच्छा है, तरक्की की उन्नति की बहुत सारी राहें आपके लिए निकल रही हैं, आगे बढ़िएगा। मीन राशि, अप्रैल से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो पीछे लगभग 2-2.5 वर्ष आपके अच्छे नहीं थे, अब उससे निजात मिलने लगेगी, और 2024 में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी। आप जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कीजिए, लोहे का काम करना चाहते हैं वो कीजिए, आर्ट की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो नई चुनौतियां जरूर लें। मेरा एक तजुर्बा है कि जब हम कुछ रिस्क लेके, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेके जब काम करते हैं तो हमको लाभ जरूर होता है, और उसमें प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ती है हमारी, और प्रतिष्ठा यदि बढ़ गई, साख अगर बढ़ गई, तो निश्चित रूप से उसका सीधा सकारात्मक असर हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है, पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। तो कुल मिला के अच्छा वक्त है, इस वक्त का सदुपयोग कीजिए और खूब अच्छे से सदुपयोग कीजिए। अब बारी है देश की आधी आबादी के बारे में बात करने की। वो छात्राएं भी हो सकती हैं, वो गृहिणी भी हो सकती हैं, वो एक वर्किंग वीमन भी हो सकती है, उनके लिए ये 2024 का साल कैसा रहने वाला है, क्या संदेश देश की आधी आबादी के लिए है? देखिए वर्ष 2024 में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी, उन पर समाज का ट्रस्ट और बढ़ेगा, यद्यपि राहु कुछ परेशान कर रहा है तो क्राइम अगेंस्ट वीमन भी बढ़ेगा। इसके लिए सब महिलाओं को थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुल मिला के उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ रही हैं, बेहतर आ रही हैं। हमने एबीपी पे पहले भी एक बार शो में कहा था कि ये शुक्र का समय आ रहा है, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें, अच्छी एक्टिविटीज़ स्त्रियों के लिए करेगा, और वो ऐसा हुआ भी, और अब उसी में और इजाफा होगा और वो बेहतर होंगी। तो लिहाजा कुल मिला के तो समय बहुत अच्छा है तरक्की के लिए, बस स्ट्रांग रहना और डरना दबना मत, है ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का और अडिग रहना है, मजबूती के साथ खड़ा रहना है, और बिल्कुल भी किसी से डरना नहीं है, गुरुजी कह रहे हैं। और अब इन 12 राशियों के जातकों को वो कौन कौन से उपाय हैं गुरुजी जो अपनाने होंगे और उनको भाग्य फल जरूर मिलेगा, वो कौन से उपाय हैं? एक उदाहरण से शुरू करते हैं।
जैसे मैंने किसी को ये बताया भाई आपका समय अच्छा नहीं है, ठोकर खाएंगे, वो ये सुन के चले गए, तो ठोकर लगेगी ना। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ठोकर कैसे ना लगे ये बताइए। तो अब हमारा वो वाला सेगमेंट है कि आपको ठोकर कैसे ना लगे, कैसे चीजें ठीक हो और आपकी कामयाबी बढ़े। मेष राशि के लोगों का उपाय जरा ध्यान से सुने। मेष राशि के लोगों को एक काम करना है, उन्हें मूंग की दाल का दान हर मंगल को करना होगा, गुस्से को शांत रखना होगा, ठीक है। और भगवान ना करे यदि कहीं कोई समस्या हो तो रक्त दान कर दें, कोई बड़ी समस्या हो, कोई बड़ी बीमारी हो तो अपना रक्त दान कर दें, देखिएगा आप फौरन परेशानियों से निजात पा जाएंगे। वृषभ राशियों की मैं बात करता हूँ, वृषभ राशि के लोगों को 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को, खासतौर से कन्याओं को कभी चावल खिला दिए, कभी खीर खिला दी, धन भी दे सकते हैं, बर्तन भी दे सकते हैं, जो मन है दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर दिया कीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और सेवा जब हम करते हैं तो प्रभु वैसे ही खुश हमसे हो जाते हैं, तो इतना सा कार्य कर दीजिएगा, लाभ होगा। एक कार्य में और कहना चाहूँगा, वृषभ राशि के लोगों को अपनी छत साफ करनी होगी। घर तो सभी साफ कर लेते हैं, घर का कूड़ा छत पर डाल देते हैं ले जाकर, आपको अपनी छत भी साफ रखनी होगी। मिथुन राशि के लोगों को क्रोध नहीं करना, सलाह ले लीजिए तब काम कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, और उसके साथ साथ आप माँ दुर्गा का जप कीजिए, ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इसका जप कर सकते हैं, या जो आपका ओम दुम दुर्गाय नमः इसका जप कर सकते हैं, बस इतना करते रहिए, आपको लाभ होगा। और यदा कदा, अब इसमें ये नहीं कि हमने पूरे साल कुछ किया ही नहीं, मैं डे फिक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये नियमित करना तो है। क्या करना है कि कुछ रोगियों को किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देनी, बस कितनी भी बड़ी परेशानी आई कम हो जाएगी, आप देख लीजिएगा आपकी तरक्की के रास्ते बंद नहीं हो सकते। कर्क राशि की मैं बात करता हूँ, कर्क राशि के लोगों को क्या करना है, शुक्रवार के दिन खीर खिला दें छोटी बच्चियों को, और सफ़ेद वस्त्र, अब आपके पास मान लीजिए धन नहीं है, आप रुमाल दे दीजिए, धन है तो खूब अच्छा सा कुछ दे दीजिए, तो ये आप करते रहिए। कब कब करते रहना है, सोमवार को एक बार, शुक्रवार को ज़रूर कर दीजिएगा ये नया साल आते ही, लेकिन उसके बाद ये आप नियमित रूप से करते रहिएगा, महीने के किसी एक सोमवार में यह करना अनिवार्य मान के चलिएगा। लेकिन कुल मिला के आपके लिए समय अच्छा है, बस मन को शांत रखें, सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी मेहनत पर और अपने स्वभाव पर, बस उसके बाद देखिए तरक्की होगी। सिंह राशि के लोगों को रोजाना सूर्य को प्रणाम करना जरूरी है, यदि वह नौकरी में है या नौकरी बदलना चाह रहे हैं, राजनीति में है, समाज के कार्यों से सीधे जुड़े हुए हैं, तो फिर वो ज़रूर ये काम करें, सुबह सुबह सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप कर लिया करें, या अन्य कोई मंत्र जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जप कर लिया करें। और बहुत परेशानी यदि आप महसूस करें अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, तो रविवार को नमक छोड़ दीजिएगा, तरक्की हो जाएगी, बस परेशानियाँ गायब, ठीक है। कन्या राशि की बात करते हैं, सलाह मान लीजिएगा किसी की, अपने ही दिमाग लगा के सारे काम नहीं कर रहे हैं आपको 2024 में, तो अगर कोई सलाह देता है या आप कहीं कुछ मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो कृपा करके सलाह ले लीजिए, और लेनी ही नहीं है माननी भी है, इतना आप ज़रूर कर लीजिए, तांबे के बर्तन में मूंग की दाल भर के उसका दान कभी कभी बुधवार को ज़रूर कर दिया कीजिएगा, और माँ दुर्गा की नियमित रूप से उपासना करिए, फिर देखिए कोई परेशानी आएगी तो बहुत तेज़ी से साइड से निकल जाएगी, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत और उत्साह के साथ ये उपाय कीजिएगा, रोते रोते मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं वो रोते ही रहते हैं हर वक्त, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि प्रभु कि आप भक्ति कीजिए,
और उत्साह के साथ कीजिए। उत्साह अपने आप आपका बृहस्पति, आपका शनि, आपका शुक्र बेहतर करेगा। यदि व्यक्ति का चिंतन सकारात्मक है और उसके अंदर उत्साह है तो चंद्रमा बहुत अच्छे फल देगा। और गुरुजी, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं लोग जो कहते हैं कि उपाय तो बरतते हैं लेकिन उसका फायदा मिलता है नहीं, फल मिलता है नहीं, एक वक्त तक वो निराश हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो धैर्य बना के रखें। बिल्कुल, देखिए धैर्य जैसे ही आपने बनाया, आपका यदि बुध खराब भी है तो वह बुध कभी भी बुरा फल नहीं देगा। शनि और राहु खराब भी हैं और आप सलाह मशवरा लेके धैर्य से कार्य करते हैं, कितने भी खराब हों वो उतना बुरा फल नहीं देंगे, यानी आपको बर्बाद कर दें ऐसा नहीं कर सकते, सारे रास्ते बंद हो जाएं आपके, ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये जो व्यवहार के उपाय हैं ना, ये ज़रूर कर लेने चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब जैसे तुला राशि को मैं एक व्यवहार का उपाय बता रहा हूँ, तुला राशि के लोगों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पिताजी की सेवा करेंगे सूर्य अच्छा होगा, माताजी की सेवा करेंगे चंद्रमा अच्छा होगा। तो कितना अच्छा उपाय है, सेवा की सेवा भी हो गई और साथ ही साथ सूर्य चंद्र आपने अपना मजबूत भी कर लिया। कितना आसान सा उपाय है गुरुजी, कोई मेहनत भी नहीं करनी है, ना कोई दान करना है, ना हजारों की कोई अंगूठी खरीदनी है, ये तो सर्वोपरि होना चाहिए जो आप बता रहे हैं। अब जैसे मैं तुला राशि के लोगों को कहूंगा, हाँ। गाना गाए, अच्छी अच्छी पिक्चर देखें, शुक्र मजबूत करना है ना, अच्छे कपड़े पहने, फटे हुए कपड़े निषेध है, अपने आप शुक्र आपका अच्छा फल देगा। और जैसे ही शुक्र आपका अच्छा फल देगा आपकी सफलता तय। अब वृश्चिक राशि की बात करता हूँ, कुल मिला के आपको अच्छे फल मिल रहे हैं, लेकिन उसमें यदि आप अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में बांधकर अपने गले में मंगलवार को पहन लेते हैं, बमुश्किल 10-5 रुपए की आती होगी, तो आप देखिएगा चोटें लगनी बंद हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स के जो योग हैं ये शनः शनः समाप्त हो जाएंगे और तरक्की मिलेगी। उसके बाद भाई बहनों की रिस्पेक्ट करें और किसी भी रूप में उनकी मदद या सेवा कर दें। नौकरी में प्रमोशन में यदि कोई दिक्कतें आ रही नहीं होंगी तो वो अपने आप दूर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप और ज़्यादा उन्नति करेंगे। ठीक है, आपकी राशि में बहुत मेहनत के बाद सफलता है, ये काम करेंगे तो मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी लेकिन सफलता का स्तर और बढ़ जाएगा और जल्दी हो जाएगी, धन का संचय अच्छा हो जाएगा। धनु राशि की मैं बात करता हूँ, गाय गुरु मंदिर की सेवा करें, हल्दी की गांठ अच्छे से धोकर पीले धागे में बांधकर पहन लें, स्त्रियों की इज्जत करें बस, और देखिए सरपट भागेगी आपकी जिंदगी। मकर राशि के लोग तेल का दान कर दें, शनिवार को कटोरे में अपना चेहरा देखें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें बस, आपकी तरक्की तय है, परेशानियां आपकी बहुत तेजी से खत्म होंगी। और कुंभ राशि के लोगों को क्या करना है, लकड़ी के सामान का दान कर देना है। अब लकड़ी का कोई भी सामान हो, इतना सा शोपीस भी वो हो सकता है, उसका दान किसी को कर दीजिए। लकड़ी के पेंस आते हैं वो विद्यार्थियों, गरीब विद्यार्थियों को बांट दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस ये व्यवहार वाले जो उपाय होते हैं ना, करने भाव से, इसमें जैसे वो लालच वालच मत रखिए, भाव से कीजिए और जो हमसे दान लेता है उसका कद बड़ा होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये उपाय आप करेंगे आपको लाभ होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि इन लोगों को उड़द की दाल खानी नहीं है शनिवार को, बल्कि उसका दान करें। अनाज की एक पोटली बनाइए, खिचड़ी जिसमें दाल चावल मिला दीजिए, थोड़ा सा नमक रख लीजिए, सरसों का तेल उसमें रख लीजिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए, चाहे एक को दे दीजिए चाहे 100 को दे दीजिए, जैसी आपकी जेब अलाव करती है, लेकिन करी हृदय से, ऐसा नहीं कि जेब अलाव करती है 200 की और आप दे रहे हैं 2 को, तो रेशनैलिटी होनी चाहिए। ये उपाय कीजिए, परेशानी कान से निकल जाएगी और आपकी तरक्की के मार्ग बंद कभी नहीं होंगे, बल्कि आप और उन्नति करेंगे, खासतौर से मई के बाद। मीन राशि की बात करता हूं तो क्या कहता हूं, फोकस करो, खूब मेहनत करो, दिन रात
काउंट मत करो, चाहे आप जॉब में हो, काउंट ही मत करो, बस मेहनत करते चले जाओ, गाय गुरु मंदिर की सेवा करो और उसके साथ नई नई चीजें सीखो, पीला धागा गले में धारण कर लो, चाहे गुरु जी के हाथ से पहन लो, चाहे माता जी के हाथ से पहन लो, घर के किसी बुजुर्ग के हाथ से पहन लो, तरह सीखते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। अब एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जैसे घर की सफाई, अब लोग घर की सफाई सब करते हैं लेकिन कुछ लोग करवाते हैं। मैंने कहा कि घर का पश्चिमी कोना जरा सही सही लेकिन साफ कर दीजिए, आपकी स्टडी टेबल जो है या ऑफिस टेबल है स्वयं उसकी सफाई कीजिए,